हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बुक में आपका स्वागत है। और पुस्तक समीक्षा की इस कड़ी में आज हम इस बुक का बात करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, आर्थिक परिदृश्य एवं समसामयिक की डॉक्टर रजनीश कुमार के द्वारा ये बुक निकाली जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यह रिव्यू जो है हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड पे है। हम एग्जाम की तैयारी करते हैं और इस बुक का रिव्यू हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि हम इस बुक का रेगुलर रीडर हैं। यह बुक पिछले साल की है जो कि हम पढ़ चुके हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो ये जैसा कि देख रहे हैं कि आप पिछले साल इस रेड कलर में आया था, इस बार ये ब्लू कलर में है। इसमें देखिए बिहार समसामयिक दिया हुआ है, इसमें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 का दिया हुआ है जबकि पिछले साल 2019-20 का था, और इस बार बिहार बजट 21-22 का दिया हुआ है जो कि पिछले साल 2021 का था, डॉक्टर रजनीश कुमार का है, और बाकी कवर लगभग सेम ही है। तो इस बुक को देख लेते हैं। जैसे देखिए पूरा देख पढ़ा हुआ है, तो हर साल ये बुक मैं पढ़ता हूँ और एग्जाम में बहुत ही फायदा करता है, इसीलिए इसका रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो नया बुक हम लोग देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। बीपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह बुक आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो देखते हैं, पहले इसका प्राइस देखते हैं। प्राइस 90 रुपया है लेकिन मार्केट में आपको 50 रुपये में मिल जाते हैं। लेकिन आप अगर गाँव से हैं, बुक इजीली अवेलेबल नहीं है, तो स्टडी बूम का एक व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा बिल्कुल ही नॉमिनल चार्जेस पे। और देखते हैं बुक में क्या है। तो पहले तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का सारांश है, बिहार बजट है और समसामयिक घटनाएं हैं। तो देखिए बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स अक्टूबर 2021 का 21 तक दिया है इसमें, सितंबर इधर देख सकते हैं आप, सितंबर तो जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक इसमें करंट अफेयर्स दिया हुआ है और ये समसामयिक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का कुछ फैक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय योजना 2 दिया हुआ है। और ये देखिए जनवरी 2021 से करंट अफेयर दिया हुआ है, यहाँ अक्टूबर 2021 तक। उसके बाद आपको बिहार बजट 21-22 मिल जाता है, उसके बाद आपको आर्थिक सर्वेक्षण, बाकी सब यहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं, बिहार के अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, बाकी सारे सेक्टर से जो हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इसका सेगमेंट एक तो करंट अफेयर्स का हुआ, उसके बाद बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का हो जाता है इसमें, और सबसे महत्वपूर्ण इधर सबसे लास्ट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ MCQ मिल जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे ऑप्शन के साथ, और लगभग 145 हैं उसके यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे। बिहार सरकार का फैक्ट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो बीपीएससी का एग्जाम आप देते होंगे तो देखते होंगे इकोनॉमिक्स से मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह बुक उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको करके ही जाने चाहिए। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा स्टडी बूम के चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा इस वीडियो का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको PDF मिल जाएगा और चाहे तो आप हार्ड कॉपी खरीद सकते हैं, 50 रुपये में ये बुक मार्केट में अवेलेबल है और यह बहुत ही अच्छी बुक है, आपको पढ़ कर जाना चाहिए। बिहार का कोई भी एग्जाम हो, चाहे दरोगा हो या BPSC का एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, तो बिहार के करंट अफेयर्स के लिए और इकोनॉमिक सेक्शन से 7-8 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये आपको एक बार देख कर जाना चाहिए। और इसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 7-8 दिन, 1 सप्ताह, लगभग 10 दिन के अराउंड आप इसे पढ़ सकते हैं और इसका 2-3 बार रिवीजन करके आप एग्जाम में जाइए, बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो इस वीडियो में केवल इतना है।